तीन प्याज और तीन टमाटर लिए हैं। हम इसकी ग्रेवी बना देते हैं। ये ग्रेवी सभी के लिए बहुत ही यूजफुल होती है, ये 8 दिन भी चल सकती है। तो आपको जब भी कोई सब्जी बनानी हो तो आप 2 या 3 चम्मच इस ग्रेवी का लेकर फिर उसमें मसाले डालकर आप इमीडिएटली बना सकते हैं। तो आपका प्याज चॉपिंग, टोमेटो चॉपिंग करने का टाइम बच जाता है और सब्जी बहुत जल्दी बन जाती है। 2 चम्मच तेल लेते हैं। प्याज जो हमने काटे थे, ये हमारे प्याज थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे, उसके बाद हम इसमें टमाटर डाल देंगे। इसमें हम कोई भी मसाले अभी ऐड नहीं करेंगे, ये सिर्फ टमाटर, प्याज और लहसुन अदरक की ग्रेवी बना के हम स्टोर कर रहे हैं, जो हमें 1 हफ्ता चलेगी। या आपके घर में जितने मेंबर हो उसके हिसाब से आप ज्यादा प्याज और टमाटर लेके बना सकते हैं। आप प्याज और टमाटर को मिक्सी में ग्राइंड करके उसका पेस्ट बना के उससे भी सॉटे कर सकते हैं, अगर आपको काटना नहीं है, वो भी बहुत जल्दी हो जाता है और फाइन पेस्ट बनता है। ये अब हमारा तैयार हो चुका है। टमाटर और प्याज का पानी सब सूख चुका है, अब हम इसे स्टोर कर सकते हैं। मैंने गैस ऑफ कर दिया है। मैंने ये 2-3 प्याज और 3 टमाटर से ही बताया है, आपको अगर ज्यादा बनाना है तो आप ज्यादा क्वांटिटी में ले सकते हैं इसे और स्टोर कर सकते हैं। इसे ठंडा होने पर क्लिंग फिल्म लगाकर आप स्टोर कर दीजिए या फिर ग्लास जार में स्टोर कर सकते हैं और इसे फ्रीज में रख दीजिए।